मैं चाहूँगा कि शुरुआत यहीं से हो, क्योंकि परिवार के लोग जब आए हुए हैं, उनके लड़के हैं, और वो बताएंगे, वहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम बात करते हैं। नवेंदु घोष जी 1950 में बॉम्बे आए बिमल रॉय की यूनिट के साथ, और तब से हम लोग सब यहीं पे, फिल्म इंडस्ट्री के एक अंग से हम, और इसीलिए फेडरेशन और एनएफडीसी के साथ जुड़ के उनको याद कर रहे हैं ताकि उनकी याद पूरी हो। मुकुल उनका पेट नेम था, बुलाया जाता था उनको मुकुल करके, इसलिए मुकुल कार्यक्रम का नाम रखा गया, और 100 साल उनके कंप्लीट हो गए, तो हम लोग उनकी याद में ये कार्यक्रम रखे जी। आप जानते ही होंगे कि नवेंदु दा के बारे में कुछ डिटेल, तो हमारे फेडरेशन की तरफ से तिवारी जी आपको। मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट बी एन तिवारी मेरा नाम है। इतने बड़े कलाकार के बारे में बताना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए लिखी हुई चीज़ें मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि याद करना 100 साल जिसके लाइफ का हो चुका है, उसने ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिनका नाम कभी कुछ एक फिल्में हमने भी की हैं, और काफ़ी कुछ लोगों के साथ इसमें शारदा मैंने की है, और उनकी फिल्मों में जो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, बिमल राय की परिणीता, माँ, विराज बहू, यहूदी, सुजाता, बंदिनी, देवदास जिसमें दिलीप कुमार थे, नौकरी, सत्यन बोस की आसरा, आंसू बन गए फूल, जोत जले भैया, अरविंदो सेन की काफिला, जमाना, ये उनकी फिल्में थी। इसके अलावा जो स्क्रीन प्ले डायलॉग जो उन्होंने फिल्मों के लिखे थे, असंख्य फिल्में थी, और सब ने अपने माइलस्टोन बनाए, ऐतिहासिक रही हैं। कोई फिल्म ऐसी नहीं थी जिसको आप याद करो न करो वाली बात नहीं थी। हर फिल्म जिसको भी लिखा, जो उपन्यास लिखा, जो किताबें लिखी, वो सब अद्वितीय थी। और मैं चाहूँगा कि उनकी बहू हैं डॉक्टर सोमा घोष जी, पद्मश्री अवार्ड विनर, ये भी कुछ चंद अपने अनुभव उनके बारे में बताएं। फेडरेशन इस मुकुल जो प्रोग्राम है उनके नाम से जो किया जा रहा है, 18 फरवरी को हम लोग इसको वुमेंस कॉलेज में कर रहे हैं, फेडरेशन और इनके परिवार के लोगों के साथ मिल करके इसको निभा रहे हैं, क्योंकि एनएफडीसी साथ में, क्योंकि अभी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था जो है फेडरेशन है, और सबसे ऊंचा परिवार यह मुकुल दा का अपना परिवार, उनके बेटे और उनकी बहू एनएफडीसी के सबसे बड़े पोस्ट पर आज विराजमान जो हैं ब्यास जी, उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इन्होंने साथ में काम किया है, एक सीनियर आदमी हैं। हमारे बीच में म्यूजिशियन अमर हल्दीपुर जी, इन्होंने इतने गाने इतने चीज़ें की है उन फिल्मों के साथ, इनका बड़ा लगाव रहा है। यह हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे जाने माने म्यूजिशियन हैं जिसका अब तक कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया है। ये लता जी के साथ पूरी दुनिया घूम डाले हैं, पता नहीं कितनी फिल्मों का इन्होंने काम किया। आज सब लोग इसके साथ मिल करके इस प्रोग्राम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आप लोगों के जरिए आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सोमा जी पहले व्यास जी बोले, फिर मैं बता दूँ व्यास जी क्या क्योंकि बहुत दिनों आप का अपने तजुर्बे जो हैं शेयर करें। बड़े प्रसन्नता और गौरव का क्षण है ये, जब हम कुछ अपने श्रद्धा के सुमन उन मुकुल के स्मृति में अर्पित करें। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, आप जानते हैं कि देश में बेहतर सिनेमा के निर्माण को बढ़ावा देने वाली एक केंद्रीय संस्था है। कंपनी ने 300 से ज़्यादा फिल्में देश की 20 भाषाओं में बनाई है। सभी कलाकार, सभी बड़े लेखक और सारा संपूर्ण फिल्म उद्योग
एक पारिवारिक रूप में बधा रहा है, और उनमें जिनकी सबसे ज़्यादा याद आती है वो हमारे दादाजी। पूरी NFDC उन्हें दादाजी के नाम से पूरे 27 साल तक, जब तक वो हमारी पटकथा समिति, हमारी जो स्क्रिप्ट कमेटी है उसमें पूरी सक्रियता से रहे। वो जहाँ भी रहे, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे बम्बई में हो, कहीं भी हो, जहाँ भी उन्हें पटकथाएँ भेजी गई उन्होंने ना कभी पढ़ी, मूल्यांकन किया। और सबसे बड़ी बात यह, जब हम सारे जितने भी पटकथा समिति के सदस्य, जिनमें नामी गिरामी निर्माता, निर्देशक, समीक्षक और सारे बुद्धिजीवी रह का समावेश है उस पटकथा में, उनमें उनकी ज्ञानवृद्धता, उनके अनुभव, और तीसरी कसम से लेकर कितनी सारी फिल्में जहां पूरी फिल्मों की एक कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी बढ़ती गई, हिट सुपर हिट, और वो दिव्य मूर्ति, दिव्य आत्मा, बड़ी सौम्य और बड़ी सरल, और वही धोती, वही कुर्ता, वही एक भारतीय स्वरूप उनका हर जगह दिखाई पड़ता। यह हमारे साथ में डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल था, जब हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया करते थे उस समय भी हमारी पैनोरमा की जो वो समिति हुआ करती थी पैनोरमा फिल्म के लिए, राष्ट्रीय पुरस्कारों की समिति, सब जगह दादा का की बड़ी प्रतिभागिता रहती थी। और एक बात बड़ी देखने में आई जो और लोगों को कहीं नहीं मिलती, वो एक युग खत्म हो गया। अब लगता है अब इस दुनिया में ऐसे लोग ना आगे होंगे ना होंगे, कोई कहा नहीं जा सकता। जब पटकथा आती थी तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ समीक्षा करते हैं ना, इसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं है या ऊंचा है, अच्छा है, कथानक है, एस्थेटिक वैल्यू जैसी है, एस्थेटिक सेंस उसका ऐसा है, वो ऐसा काट छांट सब चीज़ें करते थे। लेकिन दादा की क्या खासियत थी कि वो उसमें कहाँ सुधार किया जा सकता है वो सजेशन उनसे आता था। और आप जानते हैं कि पटकथा आत्मा होती है किसी फिल्म की, और उसमें पटकथा में ही लिखा जाता है आपका कैमरा कहाँ होगा, उस करेक्टर के चेहरे पे होगा या वहाँ टिल्ट करेगा, या हम ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, चाहे फेड इन फेड आउट, जो कुछ हो रहा है, जो फिल्मों एक व्यक्ति कलम से कहाँ कहाँ से कहाँ किसे ले जाता है, ये कलाकार यहाँ उस एंगल से हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, वहाँ से देखते हैं। उनकी कहानी भी ऐसी लगती थी जैसे वो स्वयं में पटकथा है, विमल राय जैसी विभूति उनके साथ जितनी सारी फिल्में बनाई, सुजाता, बंदनी, मछली देनी, और कैसी पूरी, और वो आगे के फिल्मों में भी देखो, अभिमान, राजा जानी, जितनी सारी फिल्में सुपरहिट भी हुई, लेकिन वो उन व्यक्तित्व को हमने हमेशा सरल वैसा का वैसा देखा। और आज भी मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे सामने वही प्रतिमा, वही दिव्य आत्मा, वही मूर्ति विराजमान है, उनका स्नेह हुआ करता था। और फिल्में उनके निर्देश, उनके जो सुझाव होते थे, उनकी जो उनके जो सुझाव होते थे, उसे कहाँ से कहाँ कहानी बदल जाती थी। वो बोलते थे इसका अंत ऐसा, इसका क्लाइमेक्स ऐसा करो, यहाँ ऐसा हो रहा है, ये कन्विंसिंग नहीं हो रहा है, बताओ ऐसी प्रोफेशनल नॉलेज कौन दे। लेकिन कहीं कोई किसी फिल्मों में कभी किसी क्रेडिट की इच्छा नहीं कि उनका, आज तो एक व्यवसाय बनता है मेंटरिंग का, कि जरा सा वो करते हैं और इतने इतने लाखों रुपए लेते हैं उनके एक। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हम बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, और हम इस संस्था के लिए, अपने सभी सहयोगों के लिए, मर्द मूर्छना के लिए, जो भी इस कार्य में, इस उत्साह के पूर्वक इस कार्यक्रम को बनाने में आगे बढ़ रहे हैं, हम पूरी तरह से, हर तरह से, सब तरह से साथ। तो हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट तिवारी जी, NFDC के बैकबोन वैस जी, अमर जी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पिताजी को याद किया, क्योंकि जो समझदार होंगे वही नवेंदु घोष जी पिताजी को समझेंगे। हर कलाकार, जो असली कलाकार होते हैं, वो अपने वजूद को कभी नहीं छोड़ते, नहीं तो बाकी लोग देखेंगे आप जिधर हवा जाए उधर हिल जाते हैं कि ज़माना इधर चलता मैं भी चलूं, लेकिन कलाकार का एक ड्यूटी होता है
कि हम कुछ अच्छा चीज़ देंगे समाज को, जो पिताजी ने दिया उन्होंने साहित्य को लाए फिल्मों में, क्योंकि एकमात्र जो फिल्म जो माध्यम है पूरा दुनिया उसका अनुकरण करता है। इस माध्यम से हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। जो पढ़े लिखे भी नहीं है ना, वो भी फिल्मों की डायलॉग से अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। तो आप समझिए कि फिल्म का कितने बड़ी दायित्व है जो उन्होंने बखूबी निभाए हैं। आप लोग जानते हैं कि बंदिनी एक अमर फिल्म है जिसका एंड सभी लोग चाहते थे कि खूबसूरत नौजवान धर्मेंद्र के साथ हो, नूतन जो नायिका की मिलन, लेकिन वो नहीं किए वो काम, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा कलम जो है एक वो ईश्वर का कलम है, हम जस्टिस ही करेंगे। वो अशोक कुमार की प्रेम की बंदिनी है, वो धर्मेंद्र की प्रेम की बंदिनी नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हर लोग में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो फिल्म जो आज हम थोड़ा सा जो देखते हैं कि वो नहीं हम देख पा रहे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आएगा पिताजी को। जब मैं तो बहू बन के आई थी, मैंने देखा उनका डिसिप्लिन, वो धोती कुर्ता, उसको फिल्म लाइन एक चमक दमक लाइन है हाँ, लेकिन उन्होंने अपने धोती को कभी नहीं छोड़ा, वही कुर्ता धोती पहन के उन्होंने फिल्म के बड़े बड़े फिल्म लिखे, बड़े बड़े पार्टी में गए। ये भी एक सीखने वाली बात है, डिसिप्लिन। सुबह उठ के कीर्तन करते हुए अपना कलम ले, चाहे हमारे जो ससुराल मैंने देखा है जॉइंट फैमिली, और कहीं भी हमारी सास की तो थी गांव से, जो लोगों को ला ला के घर पे, प्लास्टिक घर कहा जाता था, सबको बना के सबको नौकरी देके, लेकिन मैंने आश्चर्य हो गई जब मैं बहू बन के आई कि वो सबके बीच में बैठ के भी लिख रहे हैं, कोई डिस्टर्ब। आजकल बच्चों को कितना चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, स्पेस चाहिए, कितनी कुछ चाहिए, लेकिन उनको मैंने ये नहीं देखा। आसपास कितनी लोग बातें कर रहे हैं लेकिन वो लिखते ही जा रहे हैं। अब 25 साल उनका FTI से संपर्क रहा, वो प्रोफेसर है, विजिटिंग प्रोफेसर रहे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के, वहाँ से उनको ऑनरिस कॉजा मिला, ये उपाधि से विभूषित किया गया। कभी भी उनको मन में कोई अहंकार नहीं देखा इसके लिए, बड़ा ज़मीन से। और कभी भी हमारे कोई गेस्ट आते थे, मेरे कोई अकम्पनिस्ट आते थे, तो वो पानी और मिठाई लेके बाहर चले आते थे। इतने निरहंकारी, इतना एक मिट्टी से जुड़ के रहना, इतने काम करने के बावजूद भी हम उनको हमेशा याद करते हैं। कि एक बात अगर मैं कहूँ, वो उन्होंने मन में सोचा था कि मैं एक डायरेक्शन करूँगा। हाँ, दो फिल्म शुरू हुई लेकिन ख़त्म नहीं हो पाई। तो फिर NFDC में उन्होंने अपना स्क्रिप्ट कमेटी से बोला कि इस साल मैं खुद अप्लाई करना चाहता हूँ, आप मुझे कमेटी से एक साल के लिए छोड़ दीजिए। और फिर उन्होंने अप्लाई किया, त्रिशाग्नि फिल्म की नाम थी, नाना पाटेकर, आलोक नाथ, नीतीश भारद्वाज, पल्लवी जोशी, इनके साथ वो फिल्म बनी। तब उनका उम्र था 72 की एज में वो रेगिस्तान में जाके शूटिंग कंप्लीट करके उनको दो नेशनल अवार्ड। देखिए, स्क्रिप्ट डायरेक्शन से भी कठिन चीज़ है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट होती है एक फिल्म की बैकबोन, उसके बावजूद भी वो नाम नहीं मिलता है जो एक डायरेक्टर को मिल जाता है। नहीं, सही बात है, इसलिए उनका एक पैशन था कि हम डायरेक्टर बनेंगे और वो बन के दिखाए इस चीज को। अमर जी, कुछ आप करना चाहेंगे? हाँ, ये याद करेंगे म्यूजिकली। नहीं, मैं तो पहले उसी बात पे जाना चाहूँगा कि जनरल चलता है कि यहाँ पे बच्चा जब पैदा होता है, माँ पूरे 9 महीने उसे पालती है अपने पेट में, और नाम किसका आता है? बाप का। बेटा अपने नाम के आगे बाप का नाम जोड़ता है। तो नुबेंदु घोष जी को कोई नाम नहीं मिला। मैं कहता हूँ, मैं खुद नहीं जानता था कि उन्होंने लिखी है फिल्म। तो ये एक तरीका जो है कि डायरेक्टर हीरो बस इनका ही नाम होता है, जैसे गाना रिकॉर्ड होता है तो किसने गाया? लता जी ने गाया। मैं उस गाने को बनाते वक्त कितनी तकलीफ हुई है, कैसे कैसे सोच आया दिमाग में, पहले तो फिल्म कैसे मिली, फिल्म के ऊपर काम कैसे करें, फिर राइटर आता है, फिर बनती बाकायदा एक बच्चे को बड़ा करने वाली बात होती है वही, मगर फिर बाप का नाम लग जाता है।
तो इस बात से दुख है कि परख, बंदिनी और सुजाता ये सब फिल्में हमारे बचपन में देखे हुए फिल्में हैं। देवदास, अभी तक देवदास, क्या देवदास बनी थी साहब, क्या स्क्रिप्ट है वो, अभिमान ऐसा हाँ, अभिमान तो लेटेस्ट फिल्म थी बिल्कुल। मुझे याद है कि मैं भी उस वक्त कुछ 18-19 साल का था जब वो फिल्म के गाने रिकॉर्ड हुए थे ब्रह्मन दा के, आज भी याद है। उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था शायद सुशीला कामत ने। मत दुख की बात है कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट डायरेक्टर आज के तारीख में इनका ही नाम होता है बस, बाकी जो क्या स्क्रीन के पीछे जो है कैमरा मैन है, स्क्रिप्ट राइटर मतलब उस बच्चे को बड़ा करना है, एक एक सीन कहाँ से जाए सीमलेस। आप उनके पहले की फिल्म देखे ना, कहीं जॉइंट नजर नहीं आता। अभी तो ऐसे कि आप अचानक आप दही कड़ी खा रहे, अचानक चाइनीज खा रहे, चल भैया अच्छा लग रहा है तो ये भी खा ले, अचानक पंजाबी समोसा खा रहे, मेल नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, चीज़ें चलती हैं, ये अलग बात है, तकदीर की बात है सब। ये तकदीर वाले लोग नहीं थे, ये कलाकार थे सच्चे दिल से, बहुत ऊँचे कलाकार थे मेरे हिसाब से। ऐसे कलाकार हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इनके बारे में ज़्यादा कहें तो हम तो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि जो उन्होंने काम किया हम तो सोच भी नहीं सकते साहब सपने में, बस उसको देख के अगर कुछ सीख सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अभी ये लोग और एक काम किए हैं कि जिस भवन के बच्चों को मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं उनकी कुछ कॉम्पिटिशन रखे हैं, इसी तरह से हमको अगले जनरेशन को प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग सीखो, डायरेक्शन सीखो, म्यूजिक सीखो। आज सीखना तो कुछ है ही नहीं साहब, हर कंपाउंडर डॉक्टर बन के रहा। सही बात है, दिस इज अ फैक्ट। और गए 52 इयर्स से मैं इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, यहाँ सिर्फ तकदीर चलता है साहब। जो आदमी कलाकार हो जैसे कोना पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स देखे हमने कोना पकड़ के बैठे हैं, किसी को मालूम ही नहीं साहब इसने क्या अपने जिंदगी में काम किया। वैसे ही नुवेंदु घोष जी का है, हम तो नुवेंदु घोष को बोल नहीं सकते, हम सिर्फ दादा बोल सकते, दादाजी, क्योंकि बहुत बड़े हैं वो हमारे लिए। बस इतना ही कहूंगा उनके बारे में, ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि उनके साथ मेरा पर्सनल परिचय नहीं, मगर उनके काम के साथ बहुत देखा है मैंने। और बहुत अभी भी मुझे वो बंदिनी याद है, नूतन जी का के उस पोल के बाद आके ऐसे खड़े रह के सोचना, फिर अरे बाप रे क्या फिल्म थी। अभिमान भी क्या सब्जेक्ट है साहब, वो भी अहंकार का सब्जेक्ट है कि मैं सब कुछ हूँ। देखिए क्या अहंकार को कितने खूबसूरती से उन्होंने पेश किया है अभिमान में टाइटल के हिसाब से। बस हम यही चाहेंगे कि उन्होंने जो काम किया उस काम को देख के हम सब को कुछ सीखने मिले, और हम सीखेंगे जरूर, इसके आगे भी सीखेंगे। इट्स नेवर टू लेट। ये संदेश आप लोगों के जरिए लोगों तक पहुंचे, सबसे बड़ी बात है कि हम सारे यही चाहते हैं कि जिसे लोग भूल गए हैं उसे याद करें। और सही बात, हम कॉन्सर्ट वाले भवंस कॉलेज में 18 तारीख को रखा गया है, और शाम के 4 बजे से कुछ 6 बजे से रखा है। इसमें बच्चों को पहले से स्क्रिप्ट दी गई है लिखने के लिए, जो मास कम्युनिकेशन वहाँ करते हैं उनकी स्क्रिप्ट को कुछ चंद जजेस मिलकर के चेक करेंगे, जो फाइनल अच्छे होंगे उनको अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड की कुछ राशि भी तय की गई है, उनके सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सबके साइन होंगे उसमें इस तरह से। और वहाँ पर उदित नारायण जैसा म्यूज़िक सिंगर और शान, कई लोगों को बुलाया गया है, लोग उसमें आ रहे हैं, क्योंकि एक चैरिटेबल प्रोग्राम की तरह है, लोगों को साहस उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, बच्चों को उनके अंदर लगे कि यार फिल्म वाले जिनके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखी जाती है उनके बीच में मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, इसलिए इस तरह से हम लोग। और इसके बाद इसको याद किया जाएगा, मुकुल नाम को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जो जिसे भूल गए थे उसे याद कराएंगे हम। हमारा मकसद एक ही है कि उन चंद अच्छे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री को एक बैकबोन की तरह सहारा दिया है, उन्हें जो भूल गए हैं, नई पीढ़ी नहीं याद है, उनको बताया जाए, बहुत सी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं। उनकी लिखी हुई हर चीज़ हमारे लिए धरोहर है, उसके हम लोग वारिस हैं। यदि कोई उसमें काम करना चाहता है उससे, उसके डायलॉग, उसके सीन, उनके लिखने के तरीके, तमाम अभाव के बाद उन्होंने जो माइलस्टोन बनाया है उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं। इन्विटेशन हमारी तरफ से होगा, आपको बुला रहे हैं हम, लोगों तक पहुँचे, जन 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 तक हमारी बात पहुँचे। फ्री एंट्री, हाँ, कि वो
मुकुल जी क्या थे, नवेंदु घोष कौन थे, कितने बड़े कलाकार थे, और उससे हम सीखें, उनकी सारी चीज़ें हम फिर से देखें करें। शोभा जी, क्या आपकी खूबसूरत आवाज़ को भी हम इस कॉन्सर्ट में कहीं अगर सुन पाएंगे? ज़रूर, थोड़ा तो गाऊंगी ज़रूर। गाना ही पड़ेगा। अमर जी गवाएंगे हमें? बल्कि अपने श्रोताओं को बोलती हूँ कि आज जाने की जिद न करो। एक लाइन हो ही जाए फिर। ये क्रम चलता रहेगा, हम एनएफटीसी की ओर से ये वादा करते हैं। थैंक यू सो मच।